हेलो फ्रेशर, दिस कुलदीप एंड यू आर वाचिंग टेक फ्रेशर। आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में। शाओमी ने लॉन्च किया है एक ऐसा फोन जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एक मिड रेंज फोन आप इसे कह सकते हैं, और ये मिड रेंज फोन भी है, आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कम कीमत में बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इसकी परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर शाओमी की तरफ से पहला फोन ऐसा निकल के आता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया गया है। तो चलिए इसी फोन के बारे में आगे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की। तो हम डिजाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट और बैक ग्लास में आपको कोरनिंग गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ग्लासी फिनिश के साथ में आपको ये फोन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर यूएसबी टाइप सी देखने को मिल जाती है, तो आपको चार्जिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक जो कहीं खो गया था, वो भी आपको इस फोन में देखने को मिलता है। तो काफी फुल पैकेज डिजाइन के हिसाब से तो ये है। अब आगे डिस्प्ले की बात करें, तो डिस्प्ले में यहाँ पर आपको आईपीएस एलसीडी पैनल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर इसमें एमोलेड होता तो ये फोन आपको 100% फुल पैकेज के साथ देखने को मिलता। हालांकि यहाँ पर 19:5:9 का बॉडी रेशो आपको देखने को मिलता है। 395 पिक्सल्स पर इंच की डेंसिटी के साथ ये देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर 500 निट्स पर की मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले भी आपको काफी इमर्सिव लगेगी अब जब आप इस पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर आपको MIUI 10.4.1 आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉइड 9 के ऊपर ये बेस्ड है। हालांकि इसमें एंड्रॉइड 10 का अपडेट आ सकता है, ऐसी रूमर्स निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन सबको शक्ति देने की बात करें, इन सबको पावर देने की बात करें, तो यहाँ पर MediaTek का पावरफुल फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर G90T आपको देखने को मिलता है। माली का GPU G76 के साथ ये काम करता है, तो यहाँ पर आपको लैग का तो कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं। आप बड़ी आसानी इसमें गेम खेल सकते हैं, हैवी वर्क्स कर सकते हैं, तो आपको कहीं भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इसके मेन फीचर्स जो कि कैमराज हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और पीछे की साइड आपको क्वाड कैम सेटअप देखने को मिल जाता है। तो हम सिंगल सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, तो आपको 20 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर के साथ में ये कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर HDR का सपोर्ट है, पैनोरामा का सपोर्ट है, और आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फुल HD 30 FPS तक की। इसके बाद अगर हम क्वाड डिएट कैम सेटअप की बात करें, तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का आपको F1.9 का वाइड एंगल कैमरा आपको इस देखने को मिल जाता है, ऑटो फोकस के साथ में, जो कि काफी अच्छी डील है। और आप स्क्रीन पर इसके फोटोज देख सकते हैं कि ये किस तरह के फोटोज, किस तरह की फोटो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप कितना भी जूम करके देख ले, 64 मेगापिक्सल का फोटो है तो आपको क्वालिटी तो बेहतर मिलेगी ही। इसके बाद सेकंड कैमरा की बात करता हूँ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा निकल के आता है F2.2 अपर्चर के साथ में। इसके बाद थर्ड कैमरा की बात करता हूँ, एक मैक्रो कैमरा निकल के आता है 2 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.4 के साथ में। लास्ट कैमरा की अगर हम बात करें, तो डेप्थ सेंसिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का F2.4 अपर्चर के साथ में लास्ट कैमरा निकल के आता है। तो ये हुई कैमरास की बात। कैमरास के मामले में ये फोन काफी आगे निकल जाता है किसी और फोन से, इस रेंज के जो फोन है उनसे। अगर हम आगे बढ़े और इसकी बैटरी की बात करते हैं, आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। हालांकि इसमें यूएसबी टाइप सी है, तो आपको चार्जिंग में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। इसके बाद अगर यहाँ पर चार्जिंग की बात करें, तो यहाँ पर 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग शाओमी की तरफ से आपको देखने को मिलती है। तो आपका फोन बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, तो एक फुली पैक्ड फोन ये बन जाता है इस मामले में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वर्जन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 6 GB RAM, 64 GB स्टोरेज, 6 GB RAM, 128 GB स्टोरेज और 8 GB RAM, 128 GB स्टोरेज के आपको 3 वेरियंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये फोन आपको 4 कलर में देखने को मिल जाता है, ब्लू, रेड, व्हाइट और ब्लैक। तो इन चारों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। अगर हम लास्ट और सबसे इमर्सिव, सबसे अट्रैक्टिव बात पर आए, तो ये होती है इस फोन की प्राइस। सबसे जो लोअर वेरिएंट है 6 GB RAM, 64 GB स्टोरेज वाला, उसके लिए प्राइस निकल के आती है यहाँ पर 14,999 रुपीज। इसके बाद अगर हम बात करें 6 GB RAM, 128 GB स्टोरेज की, तो यहाँ पर प्राइस निकल के आती है 15,999 रुपीज। इसके बाद अगर हम बात करें 8 GB RAM, 128 GB स्टोरेज की, तो यहाँ पर प्राइस निकल के आती है 17,999 रुपीज।
तो ऐसी कीमत में आपको कहीं और ऐसे फीचर्स वाला फोन देखने को नहीं मिलेगा। Redmi Note 8 Pro जो Xiaomi ने लॉन्च किया है चाइना में, और ये इंडिया में आने वाला है थोड़े ही दिनों में, आइए इंडिया में आ जाएगा। आप ये फोन बड़ी आसानी से आंखें बंद करके भी ले सकते हैं। आई विल गिव यू गारंटी कि आप ये फोन लेने के बाद पछताएंगे नहीं। आपको महसूस होगा कि आप ये फोन यूज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, और इसमें आपको काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। तो इस फोन को खास बनाती है इसका परफॉर्मेंस, इसका प्रोसेसर G90T MediaTek का, जिसमें आपको गेम बूस्टर देखने को मिल जाता है। तो इसकी आपको पबजी खेलें, आप इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें, आपको कहीं भी लैग नहीं देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कैमरास की, तो कैमरा 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है स्टैंडर्ड कैमरा, वो भी इस फोन को खास बना देता है। तो ये हुई इस फोन की बात। आप कमेंट करके सजेशंस में बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और हाँ नीचे एक शेयर का बटन भी होता है, आप अगर उसे दबाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो वो वहां से गायब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी।